आप सबको प्रभु के नाम से आशीष मिले। आज का वचन में हम देखेंगे मत्ती का किताब 24 चैप्टर 13 और 14। इस वचन में हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रवचन बोलने वाले हमारे बीच में, झूठ बोलने वाले हमारे बीच में आएंगे, मतलब रॉन्ग प्रोफेसी करने वाले, झूठ बोलने वाले। तो जो भी झूठ बोलता है, शैतान का एक नाम है वो झूठा। तो जो भी झूठ बोलता है वो उसका संबंधी हो जाता है झूठ बोलने वाला, चाहे छोटा झूठ हो बड़ा हो या किसी को भी झूठ कहते हैं तो हम किसका संबंधी बन जाते हैं, शैतान के लोग बन जाते। तो शैतान के लोग जो प्रवचन करते हैं, शैतान के लोग आके हमें क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं, धोखा देने के लिए बहकाते हैं, और उसका नतीजा हमें बहुत बुरा मिलेगा। क्योंकि वो झूठ से कभी भी कभी ना कभी कहीं अंधेरे में भी झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे, वो उजाले में आ ही जाएगा। क्योंकि सच्चाई रोशनी में हो, झूठ अंधेरे में होता है। तो ये अंधेरे की बातें जो करते हैं तो उनकी प्रोफेसी के लिए बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो इंसान क्यों भागता है कि वो धीरे धीरे वचन के वचन को पढ़ना नहीं समझता, वचन को पढ़ के समझना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्दी ही उनको ये दुनिया में जो कुछ भी देखता है उसे वो हासिल करने की एक भूख रहती है। उसके लिए वो अपना समझ से काम नहीं लेता, खुदा का वचन से काम नहीं लेता, लेकिन वो जाके ये झूठ प्रवक्ता के पास, उनके पास जाते हैं। तो वो लोग इनको खुश रखने के कितने भी झूठ बोलते हैं, शैतान कितने भी झूठ बोलते, तुम बड़ा घर बना देगा, तुम्हारा ऐसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे बातें सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो बहुत दुखी भी हो जाते हैं। अगर वो मिलने के लिए अगर कोशिश करके झूठ बोल के, चोरी करके, डाका ढल के, या किसी से ब्राइब ले के, ऐसा करके आदमी ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में परेशान हो जाता है, उनको शांति नहीं मिलती, उनको खुशी नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स या बहुत सारे अमीर लोग भी, उनके घर में बहुत सारा सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, पैसों के कट्टे पड़े हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। वही लोगों को जो 10 कार में जा, जब पकड़ा जाता है उनको चेहरा भी दिखाने को उनको शर्म आती है। तो ऐसा काम, ऐसा झूठ, ऐसी भविष्यद्या हमको नहीं चाहिए। हमको मन की शांति चाहिए। खुदा इसी के लिए आया है, यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए और सैल्वेशन देने के लिए आया। तो ये एक अपने मनमर्जी करने के लिए लोग सेल्फिश बन गए, झूठ बोलना, धोखा देना, बर्बाद कर देना, किसी को मार डालना, किसी का बर्बाद कर देना, किसी को लूट लेना, रुला देना, गरीबों का लूट लेना, ये सब जब करता है तो दूसरे आदमी के ऊपर क्या हो रहा है वो समझता नहीं, उसका हवस पूरा कर रहा है उसके खुशियों के लिए, सामने वाले की प्रॉब्लम को, उनका दुख को भूल जाए। इतना शैतानियत दुनिया में भरा हुआ है, तो किसको भरोसा करे, किससे प्यार करे इंसान समझ नहीं पा रहा। क्योंकि एक बात एक बोलते हैं करते एक, तो इंसान का प्यार, विश्वास कम हो जाता है, विश्वास कम होने से और प्यार भी कम। तो इंसान इन सब चीजों की सहारा जीना चाह रहा है,
के वस्तुओं के सहारा, पैसों के सहारा या दुनिया के लोगों के सहारा नहीं, लेकिन दूसरे जो जीवित नहीं वो चीजों के ऊपर वो भरोसा रख रहा है, लेकिन इंसान इंसान पर का भरोसा टूट जा रहा है, प्यार टूट जा रहा है। जैसे फैमिली में प्यार टूट जा रहा है, भाई बहनों में या रिश्तेदारों दोस्तों में धोखा और लूटना, धोखा देना, मुश्किल में पड़ा देना, हमको क्या वो मरे तो मरे तो क्या हुआ, हम तो जीवित रहेंगे, लेकिन हम भी जीवित नहीं रहेंगे कि किसी को दुखी करके हम क्या हमेशा खुश रह सकते हैं, नहीं। तो इसके ये जो बुराई जब दुनिया में बढ़ जा रही है तो इंसान का विश्वास टूट के इंसान का प्यार कम हो जा रहा है, तो इस वक्त इंसान बेबस हो जा रहा है। लेकिन खुदा कहता है सबर रखो, क्योंकि खुदा प्यार है, खुदा बदलने वाला नहीं, रंग बदलता है, रूप नहीं बदलता, बात नहीं बदलता, झूठ नहीं बोलता, उनका बात हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है, एक पल पल बदलने वाली मोहब्बत नहीं, लेकिन जब तक हम बूढ़े भी हो जाएंगे, गरीब भी हो जाएंगे या कैसे भी दिखेंगे, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, वो प्यार में बने रहे और हम इस दुनिया में जीवित रहे और वो प्यार को, वो रोशनी को हम दुनिया में बांटे, ताकि किसी को